कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना नायका हॉल। मेरे टाइटल से आप ऑलरेडी गेस कर चुके हैं। तो मैंने कुछ एक रैंडम आइटम्स ऑर्डर करी थी। आपको पता है नायका आई जस्ट लव, नायका से शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर बार मेरा नायका के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। ऐसी कोई आइटम हो जो आपको आप चाहते हैं तो विश लिस्ट करके रखें, जब भी ऑफर चले तो आप उसे परचेज कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मुझे ये कार्टन में अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिसीव हुए थे, तो वन बाय वन हम इन्हें ओपन कर लेंगे। मैंने वैसे हाफ कार्टन ओपन कर लिया था। वैसे तो इसे रिसीव किए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वीडियो शूट करने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो टुडे आई डिसाइडेड कि लेट्स शूट द वीडियो। तो देखते हैं क्या क्या है। इस बार बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे। इस बार कंप्लीट जो है वो स्किन केयर के ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया है। एक इसमें से कोई हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो स्किन केयर का ना हो, अदरवाइज ऑल प्रोडक्ट्स आर फॉर स्किन। फिर आपको पता है मैं जितनी बार भी हॉल्स करती हूँ आई ऑलवेज ये मैं वही प्रोडक्ट्स परचेज करती हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत है। आप भी कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ उतना ही एक्सपेंस करें जितनी आपको ज़रूरत है, फालतू की चीज़ों पर इन्वेस्ट ना करें। और सेकेंड चीज़ ये है कि मैं हमेशा जब भी प्रोडक्ट परचेज़ करती हूँ ऑलवेज ऑन ऑफ़र, जब भी सेल हो या ऑफ़र पे हो तो मैं वो प्रोडक्ट ज़रूर परचेज़ करती हूँ। तो आप भी ध्यान रखें कि ऑफ़र में हो या सेल हो तो आप जो अभी आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ज़रूर परचेज़ करें। तो जो जो प्रोडक्ट्स मैंने परचेज़ किए हैं उनका प्राइस, उनका MRP और उनका सेल प्राइस जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर नहीं हुआ तो स्क्रीन पर ज़रूर फ्लैश कर दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये, दैट इज़ गार्नियर स्किन नेचुरल्स। इनका ये शीट मास्क तो थे ही, लेकिन ये आई सीरम मास्क मैंने नहीं देखा था। ये मैंने आपको सच में बता दूँ FB पे एक एडवर्टीजमेंट देखी थी, नायका की एडवर्टीजमेंट आती रहती, तो उस एडवर्टीजमेंट में देखा था। इससे पहले मैं आई सीरम मास्क यूज़ कर चुकी हूँ, बट वो थे मॉन्ड्स के, और ये गार्नियर के जो हैं, गार्नियर वो भी बहुत अच्छे हैं, वो गोल्ड में आते हैं। और ये जो है अभी लेट्स सी कि कैसा होगा, इसका मैं आपके साथ रिव्यू ज़रूर और बहुत जल्दी शेयर करूँगी। ये ब्राइटनिंग आई मास्क हैं और इसमें एक ही पैर आपको मिलेगा एंड आईज़ को एक कूल इफ़ेक्ट दे, तो ये वही काम करेंगे। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो 99 rupees इसकी कॉस्ट है। आपको ओपन करना है 15 मिनट्स के लिए, इसको रखना है एंड देन यू विल सी द चेंज। लाइक देखिए कोई भी चीज़ है एकदम से कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं देती है, आपको टाइम देना पड़ता है किसी भी चीज़ को। सो माय सेकंड प्रोडक्ट इज़ दिस कलर बार का बबल अवे शीट मास्क। ये शीट मास्क जो है ये यूनिक है। यूनिक क्यों है? बिकॉज जितने भी शीट मास्क होते हैं उनमें आपका सिरम होता है और आप उन्हें जस्ट फिल्म रिमूव करके अप्लाई कर लेते हैं, बट इसमें क्या है सेम प्रोसेस रहेगा, बट द थिंग इज कि जैसे ही अपने इसका टाइम कंप्लीट होगा तो बबल्स और यू कैन से जैसे एक छोटे छोटे बबल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे इन्होंने इसके ऊपर लिखा है लाइक बबल अरे शीट मास्क। कोई भी चीज़ हम जब भी फेस पे अप्लाई करते हैं ये इससे सब चीज़ों का एक कॉमन मेथड है, आपका फेस क्लीन होना चाहिए। तो इसमें वही है, आपका फेस क्लीन होगा, जैसे ही सीरम जो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा तो इट विल स्टार्ट टू रिलीज बबल्स फ्रॉम योर स्किन, और वो बबल्स जो हैं वो शीट मास्क की सरफेस पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका भी रिव्यू जो है मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। सो दिस इज़ माई सेकेंड प्रोडक्ट। काम करता है, रिवाइटलाइज करता है आपकी स्किन को, डिटॉक्स करता है और हाइड्रेट करता है। ये गार्नियर का शीट मास्क आई सीरम मास्क लिया था, ये ऑफर में थे, लाइक दो जो थे मुझे एक ही प्राइस पे ये दो मिले हैं, तो इट वाज अ गुड डील। जो ऑरेंज है ये आपके आई बैग्स को और डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है एंड द लाइंस होती हैं उनको रिमूव करता है, स्मूदन करता है और पफी आईज जो हैं उनको बिल्कुल ठीक करता है। प्रोडक्ट इज दिस, ये है पॉन्ड्स फॉर्मुलेटेड बाय पॉन्ड्स इंस्टीट्यूट लाइट मॉइस्चराइजर, नॉन ऑयली फ्रेश फील, इट हैव विटामिन ई प्लस क्रिस्टल। दिस इज़ ऑन अ डिमांड ऑफ माई सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे बोला था कि दे वॉन्ट टू सी द रिव्यू, तो ऑन डिमांड ऑफ माई सब्सक्राइबर आई परचेज दिस, तो बहुत जल्दी मैं इसका रिव्यू आपके लिए शेयर करूँगी। सो मैंने बहुत अच्छे वर्ड्स भी सुने हैं इसके बारे में। आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, अगर आप मेरे कंटिन्यू सब्सक्राइबर तो आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपके साथ बाय टी की एक फेस क्रीम का रिव्यू शेयर किया है।
तो उसी में मुझे मेरी किसी सब्सक्राइबर ने कहा था टू शेयर द रिव्यू फॉर दिस, तो आई विल डेफिनेटली शेयर रिव्यू फॉर दिस. नेक्स्ट परचेज इज दिस इज अ यूनिक. अब आप कहेंगे कि बहुत सारे, यस, मैंने जितने भी शीट मार्क्स मैंने लिए हैं तो ये तीन चार जो भी हैं ये बहुत डिफरेंट है, दैट्स व्हाई आई परचेज दिस. एंड आई रियली आई वॉन्ट टू सी कि ये कितना काम. इससे पहले भी मैंने लॉरेल के दो शीट मास्क परचेज किए थे एंड ट्रस्ट मी वो दोनों ही बहुत अच्छे थे. एंड दिस वन इज़ द थर्ड, इट्स वेरी यूनिक. इट्स द फर्स्ट शीट मास्क जिसका सिरम अलग है एंड शीट अलग है. तो इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है, एक तो ये आपकी स्किन को बहुत ही प्लम्पी और रेडियंट इफेक्ट देता है, आपकी स्किन को फ्रेश लुक देता है. एंड द सेकेंड थिंग इज वॉट यू हैव टू डू, आपको इसे सिर्फ पहला फर्स्ट फोल्ड करना है, देन आपको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके ये इधर आप देख सकते हैं कि इधर आपको ये एरोज के साथ उन्होंने आपको बताया है. यहाँ से उन्होंने इसको कम्प्लीटली जो है जैसे आप कह सकते हैं कि डिवीजन के लिए एक पेस्टिंग करी हुई है ताकि जब भी आप इसे इस तरह से प्रेस करें यहाँ पर ये इन्होंने एरो दिया है. जब आप यहाँ से दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं ये एरोज दिए हैं. जो ये सिरम है, सिरम इस मास्क में चला जाएगा एंड देन यू आर रेडी टू यूज दिस. तो डेफिनेटली इसका रिव्यू मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी. दिस इज़ माई सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट. सो माई लास्ट प्रोडक्ट इज दिस फ्रॉम ब्रांड प्रोफेशनल O3 प्लस. आपको पता है प्रोफेशनल O3 प्लस बहुत अच्छा ब्रांड है और इस इन्हीं के ब्रांड से ये एक प्रोडक्ट है. ये आपके फीट और है आपके हैंड्स के लिए है, फॉर मैनीक्योर और पेडिक्योर दोनों का काम करेगा. इसमें इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है, इसके वन टाइम यूज़ का है और बबल गम अभी ये है इसके ऊपर लिखा हुआ. सी आई डोंट नो कि हाउ इट वर्क, क्योंकि मुझे भी ये मैंने फर्स्ट टाइम परचेज किया है, कैसे काम करेगा क्या करेगा आई डोंट नो. इट सेज क्रिस्टल वॉश, उसके बाद पैडी वॉश है, फिर माइक्रो पील है, देन पैडी मसाज है, पैडी मास्क है एंड देन बबल गम पाउडर. सो बहुत सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. अभी काम कैसे करेगा क्या होगा तो आई डोंट नो. अंदर से इसलिए कुछ इस तरह का है, डेफिनेटली आपके साथ इसका भी रिव्यू शेयर करूँगी. सो दिस इज़ माई हॉल, दिस इज़ फॉर टुडे. आई होप आपको मेरा ये हॉल अच्छा लगा होगा. अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं. अदरवाइज ऑल दो मैं तो इनका रिव्यू सबका आपके साथ शेयर करूँगी ही, लेकिन अगर आप अलग से अपने लिए चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके लिए ज़रूर रिव्यू शेयर करूँगी, ताकि अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ परचेज करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहे. सो दिस इज़ फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय. अपना ख्याल रखें, कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बिना किसी रीज़न के बाहर ना जाएं और अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ध्यान रखें. टिल देन बाय बाय.